वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम रैंडी ऑर्टन WWE के अंदर एक वेटरन सुपरस्टार और डेफिनेटली एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है। पिछले कुछ टाइम से रैंडी ऑर्टन ऑफ टीवी चल रहे हैं ड्यू टू हिज इंजरी, बट जल्दी ही वो रिटर्न करते दिखाई दे जाएंगे क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि उनकी इंजरी उतनी सीरियस नहीं थी, सो रिकवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। वैसे भी इतने सालों से रैंडी ऑर्टन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, सो अब उनको रेगुलर ब्रेक तो दिया जा सकता है इस एज में। WWE में रैंडी ऑर्टन की पोजीशन टॉप लेवल के सुपरस्टार्स में है आज, लेकिन उनकी जर्नी वहाँ तक पहुँचने की काफ़ी डिफिकल्ट रही है। द मोस्ट टेरिफाइंग लेटर्स इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट RKO रैंडी ऑर्टन का फिनिशर है जिससे उन्हें एसोसिएट किया जाता है। इसके अलावा उनको एपेक्स प्रेडेटर, लेजेंड किलर और सबसे फेमसली द वाइपर के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रैंडी ऑर्टन के वाइपर बनने की कहानी, क्यों उन्हें WWE में सबसे खतरनाक रेसलर्स में गिना जाता है, करेंगे सारी बातें। सो हेलो गाइज, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं पॉप कल्चर रेसलिंग। रैंडी ऑर्टन एक थर्ड जनरेशन प्रोफेशनल रेसलर हैं। उनके ग्रैंडफादर बॉब ऑर्टन, उनके फादर बॉब ऑर्टन जूनियर, अंकल बैरी ऑर्टन सारे रेसलर्स थे। रैंडी ऑर्टन के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग को एज अ करियर चूज़ करें क्योंकि वो इससे आने वाली हार्डशिप से वाकिफ थे। उनके फादर ने रैंडी ऑर्टन को समझाया कि रेसलिंग के बिजनेस में हमें अपनी फैमिली से, अपने लोगों से दूर रहना पड़ता है। 1998 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रैंडी ऑर्टन सेलेक्ट हुए यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थे, सो US मरीन के बेस पर उनको बैड कंडक्ट के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया और कोर्ट मार्शल भी कर दिया गया, जिसके कारण ऑर्टन ने 38 डेज स्पेंड किए ब्रिग में, जो बेसिकली एक जेल होती है। इन सब के बाद रैंडी ऑर्टन रेसलिंग की तरफ रुख करते हैं और 2001 में उन्होंने अपना WWE डेब्यू किया। इनिशियली कुछ टाइम OVW में बिताने के बाद फाइनली उनका मेन रोस्टर डेब्यू हुआ और वो मेंबर बन गए OVW के लेजेंडरी क्लास ऑफ 2002 के, जिसमें जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और बटिस्ता थे। रैंडी ऑर्टन के WWE में राइज करने की कहानी किसी और वीडियो में देखेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पर स्टिक करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि अपने अर्लियर डेज में रैंडी ऑर्टन इवोल्यूशन स्टेबल के पार्ट थे, जिसमें ट्रिपल एच, बटिस्ता और रिक फ्लेयर थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑर्टन ने खुद को प्रोक्लेम करना स्टार्ट किया एज द लेजेंड किलर, और यहीं पर उन्होंने अपना सिग्नेचर फिनिशर यूज़ करना स्टार्ट किया RKO, जो बेसिकली एक जंपिंग कटर है। लेजेंड किलर गिमिक के साथ ऑर्टन ने आइकॉनिक फ्यूट्स देना शुरू किया रेसलिंग के बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ और वो राइज करते गए। 2004 में रैंडी ऑर्टन 24 ईयर्स की एज में यंगेस्ट WWE चैंपियन बनते हैं। कट टू 2006, रैंडी ऑर्टन और एज एक टैग टीम बनाते हैं जिसका नाम था रेटेड RKO, और ये टीम सक्सेसफुल हो रही थी। रैंडी ऑर्टन रिंग में अपना कैरेक्टर पोर्ट्रेयल कमाल करते थे और रेसलिंग मूव्स के अलावा भी वो अपने विक्टिम्स के अराउंड स्लिदर करते थे और उनको स्टॉक करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्नेक्स करते हैं। इसी चीज़ को कमेंटेटर्स ने नोटिस किया और मेंशन किया कि रिंग में रैंडी ऑर्टन मूव करते हैं लाइक अ वाइपर। दिस लेड टू द वाइपर बिकमिंग अ निकनेम फॉर रैंडी ऑर्टन। रियल लाइफ में भी रैंडी ऑर्टन बचपन से फैसिनेटेड रहे हैं रेप्टाइल्स को लेकर, और उन्होंने एक्चुअली एक पेट स्नेक भी रखा हुआ था, कोई छोटा मोटा सांप नहीं बल्कि एक 11 फीट बर्मीज पाइथन। रैंडी ऑर्टन मार्केट से रैबिट्स लेकर आते थे और अपने फेवरेट पेट को खिलाते थे। सुनने में बात वियर्ड लग सकती है, लेकिन यही वो रीज़न है कि रैंडी ऑर्टन को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई अपने इस निकनेम से। अभी रैंडी ऑर्टन RK Bro टीम में है रिडल के साथ में, लेकिन आई फील जल्दी ये टीम स्प्लिट हो जाएगी और रैंडी ऑर्टन एज अ सिंगल्स कंपेटिटर रिटर्न करेंगे। फैंस RK Bro को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं रिडल का भी थोड़ा बहुत कैरेक्टर चेंज किया जा रहा है TV के ऊपर, सो इसके कम चांसेस हैं कि ये टैग टीम कंटिन्यू होगी। एनीवे, ये थी कहानी रैंडी ऑर्टन को वाइप पर बुलाए जाने के पीछे की। पॉप कल्चर रेसलिंग पर हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, सो गो चेक देम आउट। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, पॉप कल्चर रेसलिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।